नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल कल सारनी पहुंचे मुलताई विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुखदेव पांसे। पाथाकेड़ा के वार्ड नंबर 16, 17, 23, 25, 26, 27 और 28 में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में किया जनसंपर्क। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आम जनता से मतदान करने की अपील। बैतूल कल थाली और चम्मच बजाकर बैतूल में रसोइयों ने किया जमकर प्रदर्शन। पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, मानदेय न मिलने से तंग, रसोइयों ने दी चेतावनी। कहा, एक महीने में रुका हुआ मानदेय बढ़ाकर नहीं मिला तो स्कूलों में खाना बनाना कर देंगे बंद। बैतूल जिला मुख्यालय स्थित बाजार से सामान खरीदने निकला युवक हुआ लापता। परिजनों ने गंज थाने पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज। लापता युवक शिव कुमार बाजार बाजार घूमकर गरम मसाला बेचने का करता था कार्य। आप भी सीखना चाहते हैं? यदि आत्मरक्षा सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों को जूडो, कराटे, तो आज ही नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। बैतूल हमलापुर निवासी गार्ड धर्म मरकाम ने तनख्वाह नहीं देने और मारने की धमकी देने को लेकर पूरी परिवार के खिलाफ गंज थाने पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज। कहा, लंबे समय से नहीं दी जा रही है उन्हें तनख्वाह। बैतूल पूर्व में दर्ज मारपीट और आबकारी एक्ट के मामले में दो आरोपियों को गंज थाना पुलिस ने लाया थाने। की जा रही है कार्रवाई। मारपीट में रामनगर निवासी विनोद, वहीं आबकारी एक्ट के अंतर्गत शंकर नगर निवासी अंकित नाम के युवक को कल गंज थाने लाई पुलिस। मुलताई समीपस्थ ग्राम चौथिया में कल मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत प्रथम शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामवासी, रखी अपनी समस्याएं। क्या बैतूल जिले के अंदर किसी भी तहसील की कोई प्रॉपर्टी जैसे खेत, मकान या दुकान को आप बेचना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे अपने चैनल पर आपकी एडवर्टाइज। नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। प्रभात पट्टन श्री स्वामी नरेंद्र आचार्य जी महाराज के भक्तों ने कल निकाली पट्टन में शोभा यात्रा। आयोजित किया गया समारोह। समारोह के दौरान की गई आरती। मुलताई नगर पालिका के सभाकक्ष में कल आयोजित की गई ताप्ती मंदिर ट्रस्ट की बैठक। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद ही खरीदी जाएगी किसी भी प्रकार की सामग्री। मुलताई में मेन रोड पर प्राइम लोकेशन पर स्थित डाइवर्टेड प्लॉट बेचना है। बैतूल रोड पर स्थित इस प्लॉट को खरीदने वाले शीघ्र संपर्क करें नीचे लिखे नंबरों पर। मुलताई कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार महिला की हुई मौत, पति हुआ घायल। नेशनल हाईवे के फोरलेन मार्ग के परमंडल जोड़ की घटना। चालक ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। काटी निवासी महिला कुंतीबाई बुआड़े उम्र 48 साल की मौके पर हुई मौत। वहीं पति लखन बुआड़े उम्र 50 साल को उपचार के लिए लाया गया सरकारी अस्पताल। मुलताई आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, लेकिन नहीं मिल पा रही है भू अधिकार पत्र प्राप्ति की प्रक्रिया की पूरी जानकारी। कल मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे सहित कांग्रेसी नेताओं ने मुलताई एसडीएम राजनंदिनी शर्मा को सौंपा इस संबंध में ज्ञापन। आमला पुलिस ने अलग अलग गांव में अवैध महुआ शराब बनाने वालों पर की कार्यवाही। करीब 300 किलो महुआ लहान किया नष्ट। घोड़ाडोंगरी नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सेवा सप्ताह के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों की गई साफ सफाई। घोड़ाडोंगरी सीएमओ ब्रजकिशोर शर्मा ने किया इस संबंध में निरीक्षण।
शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष श्री विक्की नायक ने मिडिल स्कूल पतवापुरा का किया कल निरीक्षण, देखी स्कूल में व्यवस्थाएं। सारनी, आठनीर और चिचोली में यदि आप हो रहे हैं नगरी निकाय चुनाव में खड़े, चाहते हैं हम करें आपका प्रमोशन, बताना चाहते हैं आप जनता को अपने विचार, रखना चाहते हैं अपना पक्ष, जी हाँ, साक्षात्कार प्रचार और अन्य किसी भी तरह का प्रमोशन करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। भैंसदेही तहसील क्षेत्र में अधिक बारिश होने के चलते सोयाबीन की फसलें हुई खराब, किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर मुआवजे की मांग। भैंसदेही वार्ड क्रमांक 11 के आंगनवाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, नपा उपाध्यक्ष सहित वार्ड क्रमांक 11 और 12 के पार्षद रहे मौजूद। भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढाबा में पहुंचे कांग्रेस विधायक श्री धर्मू सिंह सिरसाम, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, समस्याओं का किया समाधान। चिचोली नगर परिषद चिचोली में नव नियुक्त प्रशासक तहसीलदार नरेश सिंह राजपूत ने पदभार किया ग्रहण, परिषद का कार्यकाल हो चुका है समाप्त। चिचोली नगरी निकाय चुनाव को लेकर उत्कृष्ट विद्यालय में कल मतदान दल के अधिकारियों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण। आठनेर कल ग्राम पंचायत पानबेरा के शेरीढाना पहुंची जनपद अध्यक्ष सुश्री रोशनी ने पुलिया का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से इस संबंध में की चर्चा। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें, मिलते नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।